दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब भी हम लोग कोई वर्क पीस या पार्ट का प्रोग्राम बनाते हैं तो कंफ्यूजन कहाँ रहेगा और कैसे गलतियां होती हैं, ठीक है कि नहीं। अब अगर हम लोग इस ड्राइंग में देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चैम्फर है, एक रेडियस यहाँ पे है, एक रेडियस यहाँ है और एक एंगल यहाँ है। अभी होता क्या दोस्तों कि ज्यादातर लोगों को ना बोलते हैं हाँ प्रोग्रामिंग तो आती है लेकिन थोड़ा बहुत जो चैम्फर या रेडियस में दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत क्या आती है आप आज इससे भी समझ लें। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। और इसको आप लोग ध्यान से समझें तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्रामिंग में जो गलतियां होती हैं छोटी छोटी आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देखें तो प्लेन टर्निंग है। अभी हम लोग ये मान लें कि ठीक है ये रॉ मटेरियल कैसा है, क्या रफिंग करनी है, उसके लिए तो हमारे पास सिंपल साइकिल है G71 72 जिस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बहुत सारी बना रखी है। बट छोटी छोटी गलतियां कहां होती हैं आप आज इसे भी समझ लें। इसमें दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो है हमारा चैम्फर और दूसरा है इसमें रेडियस। जिसे हमें समझ लेना है तो दोस्तों देखिए इसमें दो चैम्फर है, एक तो ऐसा दे दिया और एक यहां पे दे दिया ऐसा। जिस चैम्फर की लंबाई तो दे दिया 2 mm और एंगल दे दिया 25, लेकिन आपको यहां का डायामीटर जो है ये नहीं मिला है। तो एक तो इस वाले में आपको यहां का डाया निकालना पड़ेगा और इस वाले चैम्फर में अगर कोई चैम्फर मान लीजिए ऐसा दे दिया तो आपको यहां का डायामीटर निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के चैम्फर भी हम लोग पहले भी बहुत सारा पढ़े हैं। तो चैम्फर में यहां पे दो है, एक तो दे दिया कुछ ऐसा कि 1.5 × 30 डिग्री। तो दोस्तों इसमें हमें क्या समझना है, इसमें ये जो 1.5 है ना ये चैम्फर की लेंथ दिया है, या आप ये समझे कि ये जेड की वैल्यू दिया है और ये जो 30 डिग्री है ये एंगल है। अब ये एंगल कहां बनता है ये समझे, तो ये एंगल हमेशा अगर देखा जाए तो जहां पे भी ये ऐसा कुछ एंगल बन रहा है ना तो ये जेड की वैल्यू आप समझिए एक तरीके से आपका बेस है। अब यहां पे समझे कि ठीक है ये डायामीटर आपको 25 दे दिया और ये चैम्फर को लिख दिया 1.5। मैंने बताया कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ना जेड की वैल्यू ये तो 1.5 है लेकिन ये जो एंगल बन रहा है कई बार आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कोण कौन सा दिया हुआ है, ये कोण ये है या ये है, ठीक है ना। तो कई बार आपका मन यहां पे थोड़ा सस्पिशन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें हमेशा ये जो कोण है ना ये बेस है और ये बेस के ऊपर वाला ही कोण होता है तो ये हमेशा इसी के ऊपर जो कोण बनेगा ना ये 30 डिग्री होगा। अभी 30 है, ये कुछ भी हो सकता था, 35 40 कुछ भी हो सकता था। तो आप ये समझें कि ये हमेशा इस बेस पे ही ये कोण बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा कोण है। कई बार ये आईडी में अगर कहीं दे देता है, सपोज करिए कि ऐसा कोण दे दिया आईडी में ऐसा, इसको कुछ भी दे दिया, मान लीजिए 1.5 भी दे दिया हो, कुछ भी 1.5 × 30 या 35। तो आप ये समझे कि कौन सा कोण होगा, तो इसमें आप ये देखें कि ये तो जेड की लेंथ है तो यहां से अगर हम लोग ऐसा बनाएंगे तो ये 1.5 है, इसके ऊपर कोण 30 है 35, तो मतलब कि ये वाला जो कोण है वो 35 डिग्री है, ठीक है। तो एक तो यहां से हमें कैलकुलेशन अपनी ये निकाल लेनी है। अब यहां पे कैसे निकालते हैं तो वो भी आपको मालूम है कि हम लोग सिंपल इसमें 10 यूज करेंगे,
तो यहां पे अगर आप टेन तीस डिग्री लेते हैं ना, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ये हम लोगों को मालूम है लंब बटा आधार। अब इस कोण के लिए दोस्तों ये तो हो गया लंब, समझिए कि अगर ये ए बी सी है तो ये लंब हो गया ए बी, और आधार जो है ये 1.5 दिया है, तो आपको बेसिकली ये ए बी ही निकालना है। तो टेन तीस बराबर हो गया ए बी बटा 1.5, तो अगर हम लोग यहां से ए बी निकालेंगे तो 1.5 इंटू टेन तीस, इसको अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे 1.5 इंटू टेन तीस, तो ये आ गया 0.866। तो दोस्तों ये एक तरफ का होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अभी यहां पे अगर हम देखें तो हम लोगों को ये एक तरफ की वैल्यू जो है ना ये निकला है 866, तो जितना इधर होगा उतना ही यहां पे भी होगा, तो हमें इसका डबल कर लेना है, इंटू टू कर लिया, तो अब इसमें अगर हम लोग दो का गुणा कर दें है ना, तो ये हो गया 1.732। और अब ये क्या करेंगे, 25 में से घटा देंगे, क्योंकि ये 25 है तो इधर से ये कम हो जाएगा, इधर से ये कम हो जाएगा, हम लोग माइनस 25 कर देंगे, तो ये आ गया आपका डाया 23.267 आ रहा है, तो आप इसको 8 भी ले ले या 267 भी ले सकते हैं, तो ये वैल्यू हम लोगों को मिलेगा ऐसा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा चैम्फर की, तो ऐसे में तो हम लोग ऐसा निकाल लेंगे, दूसरा जो चैम्फर दिया है दोस्तों ये अगर इसको मैं बना दूं तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा है और ये ऐसा आ रहा है, थोड़ा और भी बड़ा ले लेता हूं, ये ऐसा। तो अब इसमें ये कोण दे दिया है, ये कोण दिया है वो है 25 डिग्री, अगर यहां पे मैं इसको नीचे बढ़ा दूं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये 25 का मतलब कि ये 25 है, ये जो कोण है ये वर्टिकल से दिया है, तो ये 25 का मतलब ये 25 है, और दिया है जो वो इसकी लंबाई 2 mm, तो ये 2 mm है। तो ए बी सी, तो कई बार दोस्तों कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस वाले में तो ये कोण 1.5 के साथ वाला कोण 30 है, लेकिन इस वाले में ये 25 है, क्योंकि ये कहां से दिया है, वर्टिकल से, तो वर्टिकल मतलब ये यहां से है, ये तो ये 25 होगा, तो समझिए कि ये ऐसे लाइन जाके अगर ऐसे आ रही है ना, तो ये 25 है तो ये 25 होगा। तो अब अगर ये 25 होगा तो फार्मूला आपका वही लगेगा, टेन थीटा, थीटा यहां 25 है, टेन थीटा बराबर लंब। अब इस कोण के लिए दोस्तों ये लंब हो गया, तो गलतियां यहां भी होती है, क्योंकि हम लोग समझते हैं ना ऐसा कि हमेशा ये लंब यही होगा, तो लंब ये नहीं होगा, लंब हमेशा जो कोण कैलकुलेशन के लिए आप लेंगे ना तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये कोण जिस भुजा पे बना है ये आधार होगा। तो अब यहां पे बीसी बटा ए बी हो जाएगा, लंब बटा आधार, जबकि अभी अगर ये हम लोग कोण ऐसा लिए हैं, जैसे समझिए इस टाइप से, अगर ये कोण 25 दिया होता तो फिर ये आधार हो जाता, ये लंब हो जाता, तो जिस कोण को हम लोग लेंगे ना, या वो कोण जिस साइड पे बना होगा वो हमेशा आधार होगा, ठीक है। तो अब यहां पे आपको बीसी दिया है, ए बी निकालना है, तो अब ये नीचे वाला अगर निकालना होगा ना तो ये इसके भाग में आ जाता है, बीसी बटा टेन 25, बीसी दिया है आपको 2, और अगर इस 2 में हम लोग टेन 25 का भाग दे दें तो देखते हैं कि क्या आता है, 2 / 10/25, तो ये आ गया 4.289,
4.289। तो ये अब एक बार ना आप लोग खुद भी निकाल के देखें, कई बार कैलकुलेशन में करता हूं तो मैं भी कुछ गलत बटन दब देगा ये, तो आप खुद भी कंफर्म कर ले कि ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब जैसे मैंने यहां पे बताया डबल किया, वैसे यहां पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमने निकाला ना वो एक तरफ का निकाला, तो ऐसे ही यहां इधर भी होगा। इसको अगर हम लोग डबल कर दें इंटू टू, ये हो गया हमारा, अगर यहां पे ए बी में दो का गुणा कर दें तो ये हो गया हमारा 8.578। तो अब ये डाया क्या होगा, आपको इस 60 में से घटा देना है, तो माइनस 60 कर देंगे, तो ये जो डायामीटर आ गया ये आ गया 51.42419 आ रहा है, तो आप इसको 2 भी ले सकते हैं। तो ये जो डायामीटर यहां पे निकलेगा ना दोस्तों, ये आ गया 51.422। तो ये तो रहा चैम्फर निकालने का तरीका। अब अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो ये मुझे समझाना ये था कि हम लोग कई बार गलतियां कर देते हैं कि लंब को आधार, आधार को लंब मान लेते हैं, तो फिर वो कैलकुलेशन ही सारी गलत हो जाती है, समझ रहे। अगर आपने गलत मान लिया, इसको 25 मान लिया, तो ये वैल्यू सारी गलत हो जाएगी। आप एक बार गलत करके देखिएगा कि कितना डिफरेंस आता है, ठीक है ना, तो फिर वो पार्ट आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो चैम्फर में हम लोग यहां गलतियां ना करें, एक तो ये ध्यान दे लें कि कोण कहां से दिया है और कौन सा लंब और आधार होगा। दूसरा आते हैं हम लोग रेडियस पे, रेडियस में ना दोस्तों दो तरीके की रेडियस रहती है, एक तो होती है सिंपल रेडियस, सिंपल रेडियस। तो सिंपल रेडियस का मतलब ये रहता है कि वो अगर समझिए कि आधार आपका फेस और डाया परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो हम लोग सिंपल रेडियस में क्या करते हैं कि जितने की रेडियस है उसका डबल कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब ये सिंपल रेडियस है, अब ये रेडियस कहां से शुरू होगी, कहां खत्म होगी, एक तो ये चाहिए आपको। तो अब ये रेडियस जैसे सिंपल अगर रेडियस है तो हम लोग क्या करेंगे कि आर 4 है, इसका डबल कर दें 8 हो गया। तो अगर ये डाया 30 है तो ये जहां पे ये रेडियस खत्म होगी ना, ये डाया कितना हो जाएगा, 30 में 8 जोड़ दें तो ये वाला जो डायामीटर बन जाएगा ये 38 बन जाएगा, 30 में 8 जोड़ देते। और ये जो इधर आएगा ना ये भी 4 ही होगा, क्योंकि जब हम लोग कोई रेडियस बनाते हैं ना, ऐसा मान लीजिए 4 का रेडियस हम बना दें ऐसा, और ये इधर भी, ये भी 4 है, ये भी 4 है, हर तरफ 4-4 रहेगा, तो ये ऐसा गया है, ये ऐसा गया है, तो ये सिंपल अगर हटा दें तो ये 4-4 बच जाता है। अगर ये 32 है तो जो रेडियस शुरू होगी 4 mm इधर से, तो ये शुरू कितनी होगी, 28 से, 32 में से 4 घट जाएगा और 4 ऊपर होगा, लेकिन चूंकि ये डायामीटर के लिए है इसलिए इसका डबल कर देते हैं। तो ये तो है सिंपल रेडियस, इसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आया। लेकिन अब यहां पे देखें कि ये 25 है या ये 30 है, अब ये रेडियस कितने की है, 3 की। तो अब अगर ये सिंपल रेडियस है तब तो आपने ऐसा कर दिया, अगर सिंपल रेडियस नहीं है, समझ रहे आप, समझिए कोई स्पेशल है या बड़ी रेडियस है, बिग रेडियस कह लें या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, सिंपल को छोड़ करके ये समझिए कि बिग रेडियस है, जितने का डाया में डिफरेंस है उससे बड़ी है। अब यहां पे आर दिया है 3, और अगर आप 3 का डबल करते हैं तो होता है 6। तो अब अगर ये 30 है और उसमें से 6 घटाएं तो ये डाया 24 होना चाहिए, समझ रहे। यहां पे 3 का डबल अगर हम लोग कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो अब इन दोनों डाया में जो डिफरेंस है ना वो 6
या 6 से ज्यादा है तो सिंपल है, लेकिन डिफरेंस कितना है यहां पे 5। तो अब ये सिंपल नहीं है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे सिंपल में और बिग रेडियस में, कि जैसे यहां पे हमने डबल कर दिया तो ये कैलकुलेट हो गया, यहां पे चाहे हम 25 में 6 जोड़े तो 31 होता, अगर ये डाया 31 होता तो सिंपल हो गई, लेकिन ये 30 है तो फिर ये सिंपल नहीं है, तो इसे भी आपको निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा, इस पे हमने अलग से भी वीडियो बनाई है, डिफरेंट टाइप का रेडियस कैसे निकालते हैं, आप एक बार यहां भी इसको समझे। तो दोस्तों ये ऐसा है, एक ये 4 mm 3 का है ना रेडियस, तो समझिए कि एक रेडियस है 3 mm का। अब ये इस पे हमेशा जो पैरेलल लाइन है ना, तो वो यहां पे टच करेगा, यहां पे ऐसा सीधी लाइन आनी चाहिए, तो ये तो यहां पे टच कर लिया, यहां से सेंटर से ऊपर भी 4 है, लेकिन अब ये रेडियस जो है ना ये 25 तक आ रहा है, तो एक तरफ से ये कितना नीचे आएगा वो हमें देखना है, ठीक है ना। अब ये रेडियस यहां से नहीं गया, यहां से जाता तो फिर तो ये अगर डाया हमारा 30 है, तो ये समझिए कि अगर 3 का है तो ये जो होता, अगर यहां से ये लाइन जाती तो ये डाया 24 हो जाता, बट ये डाया यहां ना होके ये डाया यहां से, समझ रहे। अब ये यहां से नहीं है, थोड़ा ऊपर से है, तो ये डाया हमारा कितना है 25 है, ये तो समझ गए ना, तो 24 है नहीं, तो इसका जो सेंटर है वो कुछ ऊपर है। तो अगर ये यहां से समझ लें कि ये ऐसा है, तो ये यहां पे मिला दे तो ये ऐसा हो गया, और यहां पे मिला दे तो ये ऐसा हो गया। तो अब ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा, कि ये समझ लें कि यहां से ये यहां रेडियस में मिल रहा है, तो ये तो 3 का अगर r है ना, ये r 3 है, तो ये तो रेडियस है उसकी 3 हो गई, है ना। कहीं भी हम लोग सर्कल पे, अगर ऐसा कोई सर्कल है, अब कहीं भी खींचेंगे कोई भी लाइन, तो सारी लाइनें 3-3 होगी, तो ये 3 हो गया। ये जो है आपको कितना मिलेगा, कि अगर यहां से यहां तक 3 है और ये 25 ये 30, तो 25 और 30 का आधा 5 हो गया, इसका आधा कर देंगे तो 2.5 है, ये जो है यहां से यहां ये 2.5 है, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा 3 है और ये इससे 1 mm ऊपर है डाया में, तो रेडियली समझिए कि 0.5 ऊपर है, ये 0.5 और ये 2.5 हो गया ना 3, तो ये 0.5 है, ये 3 है। अब आपको ये निकालना है, अगर इसको थोड़ा मैं बड़ा बना दूं तो ये कुछ ऐसा समझ लें, ये है 0.5, ये है 3, ठीक है। तो अब आपको कुछ भी मान लें हम लोग इसको ए बी सी, तो आपको बी सी दे दिया और ए सी दे दिया, कोई कोण तो मालूम नहीं है, इसलिए आप साइन कास नहीं लगा सकते, तो यहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस के थ्योरम, उसमें हम लोग पढ़ रखा है हम लोगों ने कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना, ए बी, तो ए बी यही इधर ही रहने दीजिए, ये ए सी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ए सी दिया हुआ है आपको 3 और ये है 0.5 का स्क्वायर कर देंगे, तो अब ये देखें कि 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और 0.5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 25 होता है ना, तो ये 0.25 हो जाएगा 25, समझ रहे। 0.5 का मतलब हो गया कि 0.5 × 0.5, तो ये एक दो अंक पर दशमलव लग गया, तो ये 0.25 हो गया। एक बार करके भी देख ले, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25। अब ये 9 में से घटा देंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई, 8.75। तो अब दोस्तों ये क्या देखना है कि अगर आपको ए बी स्क्वायर बराबर ए है, तो अगर हम लोग ए बी निकालेंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा 8.75।
तो अब आपको अंडर रूट में 8.75, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया 2.958, 2.958, समझ रहे। तो अब यहां पे आपको क्या चाहिए था कि अब ये तो डाया तो दोनों मालूम है, आपको ये इसकी लंबाई निकालनी थी, तो ये लंबाई कितनी हो गई, तो ये लंबाई निकल गया 2.95, यहां पे लिख दें 958। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब अगर इसका एक प्रोग्राम हम लोग बना दें तो वो भी देख लेते हैं, एक प्रोग्राम में बना देता हूं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग यहां पे एक प्रोग्राम नंबर दे देते हैं O, और इसका नंबर मैंने दे दिया 0029, कुछ ऐसा। फिर यहां पे आपको N1 सीक्वेंस नंबर हो गया। अब दोस्तों रफिंग है तो वो कर लेंगे, आप समझे, फिनिश का मैं बना देता हूं और आप कहेंगे तो इसका रफिंग भी बाद में बना दूंगा। तो N1, फिर यहां पे G28 U0 W0, ये रेफरेंस पे गया, कोई भी एक टूल नंबर ले लीजिए, फिर इसको घुमा लेंगे, कुछ मैंने इसको ऐसा घुमा लिया, ठीक है ना। फिर इसको एक सेफ्टी का ब्लॉक लिख देते हैं, X100 Z50। अगर सीधा फिनिश बनाना है तो हम लोग X0 Z में 2 पे लाके खड़ा कर लेंगे और यहां पे कुलेन चला लेंगे, कहीं पे M7 भी यूज करते हैं, कहीं पे M9 भी यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आपको यहां पे G01 G42 Z0 कंपनसेशन लगा के मैंने इसको टच करा लिया। तो अब ये टूल समझिए यहां पे टच हो गया, ऊपर जाएंगे तो दिया हुआ है G01X23.267। फिर यहां से G01X में हम लोग 25 पे आ जाएंगे और Z में अगर यूज करते हैं तो Z-1.5 दिया हुआ है, ये भी यूज कर सकते थे या यहां पे हम लोग A की वैल्यू भी लिख सकते थे। अगर A लिखेंगे इसके जगह पे तो ये हॉरिजेंटल से 30 है तो A की वैल्यू जो आएगी वो 150 आ जाएगी, ठीक है ना। तो A होगा 150। फिर आगे आना है Z-10 तक, तो G01 Z-10। फिर यहां से दोस्तों अब ये देखना है, यहां से यहां आना है तो ये डायरेक्शन क्या है, G03 की है। कई सारे एक आध वीडियो मैंने गलत भी लिख देता हूं, G02 G03, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये G03 हो गया, X में हम आ गए 30 पे, X30। अगर Z लिखते हैं तो आपको ये जोड़ देना है 10 में, ये तो 10 दो 12, या W में ये भी लिख सकते हैं, तो 12 हो गया Z-12.958, ठीक है। यहां पे R है ये 3, तो यहां पे ऐसा लिख दिया। तो अब ये टूल आ गया आपका यहां पर। अब आगे आना है तो Z-28, अगर डायरेक्ट आर डालते हैं तो अलग बात है, नहीं तो हम यहां पे लिख देंगे G01 Z-28, और फिर यहां पे आपको लिखना पड़ेगा G02X38 Z-32 R4।
अब इन दो लाइनों के जगह पे हम लोग अगर डायरेक्ट रेडियस लिखते तो इसके बाद भी हम ऐसा डायरेक्ट में ऐसा भी लिख सकते थे जी जीरो वन जेड माइनस 32 आर 4, ये डायरेक्ट रेडियस भी हम लोग लिख सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। तो अब यहां के बाद अब टूल आपका समझिए यहां आ गया। अब अगली लाइन जो हमें लिखनी पड़ेगी वो हम लोग लिखेंगे जी जीरो वन। अब यहां से ऊपर आना है x में, x की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 51.422। तो ये समझिए टूल यहां आ गया, यहां से यहां आना है तो जी जीरो वन x 60, और यहां पे अगर z लिखेंगे तो दिया ही है 32 में 2 जोड़ दे तो 34 हो जाता है। z माइनस 34 भी लिख सकते थे, w माइनस 2 भी लिख सकते हैं, या a लिखेंगे तो 90 है ना, तो हॉरिजेंट वर्टिकल है तो ये जोड़ देंगे 90 में, तो 20 जोड़ेंगे तो 110 और 5 15 ये 115, 90 में 25 जोड़ देंगे तो 115, कुछ भी लिख सकते हैं आप, W भी लिख सकते थे, A भी लिख सकते हैं, और अगर यहां पे Z लिखेंगे तो Z माइनस 32 और 2 34, ये तीनों में से कोई भी एक लिख दें, तीनों ही ठीक है। अब टूल आ गया आपका यहां, यहां से ऊपर ले जाना है तो जी जीरो जी 40 एक्स 200 जेड 100 एम 09 एम 01 एम 30। तो ये एक कैलकुलेशन थी, एक हमने देखा कहां कहां गलतियां होती हैं उससे हम लोग बच सकते हैं थोड़ा सा ध्यान दे तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें। मैंने देखा है अपने चैनल पे कि विदाउट सब्सक्राइबर हमारा वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं, जबकि सब्सक्राइबर जो है वो 40% है और विदाउट सब्सक्राइबर 60% है। तो ऐसा ना करें, आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद।